इंदौर में स्वच्छता के नाम पर जिस तरह से नगर निगम कर्मचारियों द्वारा श्री गणेश चतुर्थी पर विसर्जन के दौरान लापरवाही बरतते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विधानसभा एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला सिरपुर तालाब पर पूजा पाठ करने के बाद थाने पहुंचे और प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा गया। श्री गणेश चतुर्थी पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम द्वारा कई स्थानों से गणेश विसर्जन के लिए मूर्तियां एकत्रित की गई थी और एकत्रित मूर्तियों को पर्यावरण शुद्धिकरण का विषय बनाते हुए विभिन्न तालाबों में विसर्जन किया जाना था, लेकिन नगर निगम कर्मचारियों द्वारा सिरपुर तालाब में मूर्तियों को सम्मानित रूप से विसर्जन न करते हुए सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए फेंका जा रहा था, जिसका वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद विधानसभा एक के विधायक संजय शुक्ला द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में ते हुए उसी स्थान पर जाकर श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना की गई और नगर निगम कर्मचारियों और अधिकारियों को सद्भावना देने के लिए पूजा पाठ किया गया। इंदौर शहर को शर्मनाक वाली घटना हुई है। इंदौर शहर में कल पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम बदनाम हो गया। इंदौर शहर हमेशा इंदौर नंबर वन हर चीज में रहा, सफाई नंबर वन रहा, सामाजिक काम हो या कोरोना काल हो या हर चीज में इंदौर नंबर वन रहा, पर इंदौर की धार्मिक भावना के साथ कल निवास नगर निगम द्वारा किया गया, क्योंकि हम लोग लगातार हिंदू धर्म के अंदर हमारे गणेश जी को 10 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं, घर में मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं, जैसे बच्चे को अपन विदा करते हैं जैसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। पर नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम शिप्रा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जाने देंगे, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो गंदा डिग्री में जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ठंडा कराया, वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था। मतलब हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष विजय बाघेल जी नेतृत्व में सहित कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको ठंडा करा, क्योंकि जो अंदर चले गए थे वो निकल नहीं सकते, नहीं तो हम उनको निकाल के हम ले जाकर ठंडा करते। मतलब इन्हें रात को JCB के द्वारा उन रात को सबको ढेल के अंदर डाल दिया गया, वो मट्टी में दाब दिया गया, गणेश जी को फोड़ दिया गया, किसी का हाथ अलग हो रहा था, किसी का पेट अलग हो रहा था, किसी का सर अलग हो रहा था, इसे सब चीज़ हुई है। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने आज वहाँ पूजा पाठ करी, भगवान से माफ़ी मांगी कि नगर निगम वालों को सद्बुद्धि दे कि गणेश जी आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नगर निगम द्वारा जो तथ्य किया गया, आपका अपमान किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर इंदौर होने के बावजूद और आपके ऊपर ऐसा हुआ, वो हिंदू धर्म के नाम पर यह अपमान हुआ हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का, तो उसकी शिकायत करने आप थाने पाए, तो थाने पर आदरणीय आयुक्त नगर निगम और जो अपर आयुक्त जिससे जो इंचार्ज था उसने भी कल वहाँ पूजा पाठ करके सिर्फ एक वहाँ पर सिर्फ एक ढोंग करके फोटो खिंचवा के चले गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और उसी आयुक्त को अपर आयुक्त को उसका जांच कमेटी का बना दिया गया, तो क्या जांच होगी, जिसके खिलाफ जांच होना चाहिए उसी को इंचार्ज बना दिया गया, तो नगर आयुक्त द्वारा ये गलत अपमान उसका हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। खैर, यह पहला मामला नहीं है कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के नाम पर सद्भावना को ठेस पहुंचाई गई हो, इससे पहले भी कई बार नगर निगम द्वारा कई ऐसे काम किए गए हैं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।